केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे विकास के लिए कुल 92,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यूपीए के कार्यकाल 2009 से 2014 में उत्तर प्रदेश में रेलवे विकास के लिए 1109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 19,848 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है। सूबेदारगंज स्थित एनसीआर मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 4,900 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। यह पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे ट्रैकों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 1,490 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन सुगम हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कुंभ सुगम रूप से चले और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए 40 से भी अधिक प्रोजेक्ट्स को चिन्हित किया गया है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट कई फेस में होगा। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, जो इस बार का बजट आया है उसमें इंडियन रेलवे को करीब 2,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसकी एक कुछ मात्रा उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी खासी मात्रा दी गई है। जहां तक कुंभ की बात है, कुंभ के लिए करीब 750 करोड़ की राशि पहले से ही आवंटित की जा चुकी है, और यदि जरूरत पड़ती है तो कुछ और राशि भी हम लोग इसमें ले लेंगे जैसी आवश्यकता होगी। कुंभ की विशेष रूप से सारी तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में हैं। जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान्स हैं या जो स्टेशन डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, उस पर जो हमने रणनीति बनाई है उसी तरीके से कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि सारे कार्य समय से पूरे हो जाएंगे और जो हमें आवंटन दिया गया है वो एडिक्वेट होगा, या जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। सर, आपने बताया कि काफी संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो लगभग क्या संख्या होगी जो अनेक, क्योंकि यहाँ से हर दिशाओं में ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है और हर दिशा से यहाँ यात्री आते हैं। देखिए, इस बार का कुंभ काफी बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि महाकुंभ है, तो काफी ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। पिछले बार 2019 में करीब 600 एक्स्ट्रा ट्रेन चली थी इस पीरियड में। हम मानते हैं कि इस बार जो नंबर होगा काफी ज्यादा होगा उससे, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको समय से ट्रेन मिल सके। हम लोग वो डिटेल प्लानिंग अभी कर रहे हैं कि कितनी ट्रेन चलाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है कोचेस की और मेंटेनेंस फैसिलिटीज की और बाकी क्रू की, उसकी प्लानिंग अभी चल रही है। उसको हम जल्दी पूरा करके फिर आप लोगों को बताएंगे कि कितनी ट्रेन चलेंगी, नोटिफाई होंगी ट्रेन से। तो सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा चीज है, उस पर क्या करेंगे? सुरक्षा तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस पूरे प्लानिंग में, तो उसके लिए विशेष रूप से हम लोग कंट्रोल रूम तैयार कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और हमारा स्टेट से कोऑर्डिनेशन रहेगा लगातार, क्योंकि सुरक्षा संरक्षा के लिए स्टेट के साथ हमें मिलकर चलना होता है। तो एक कॉमन रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे और पिछले बार 2019 में जैसे सफल आयोजन किया गया था उससे भी अच्छा इंतजाम इस बार का होगा। सर, मौनी अमावस्या प्रमुख स्नान पर्व है, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ आती है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि 157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें अचनेरा, आगरा कैंट, आगरा किला, ऐशबाग, अकबरपुर जंग, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जंग, आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आजमगढ़, बाबतपुर, बछरावा, बदायूं, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बालामऊ, बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेलथरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम करवी, चोपन, चुनार, डालीगंज, दर्शन नगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदार नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, गौरीगंज, घाटमपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर सिटी, गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड़, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जत नगर, जंगई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन,
कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खुरासो रोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंबुआ, लोहता, लखनऊ, चारबाग, एनआर, लखनऊ शहर, लखनऊ जंक्शन, एनएआर, मगहर, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्होर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मारियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्जापुर, मूडीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, निहालगढ़, उरई, पनकीधाम, फाफामऊ, फूलपुर, पीलीभीत, पुखराया, प्रतापगढ़, प्रयाग, प्रयागराज जंक्शन, पंडितदयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हॉल्ट, रामपुर जंक्शन, रेणुकूट, सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज, शाहजहांपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला, उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव, उतरेटिया, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जफराबाद आदि हैं।